morning, namaste, sasrikaal aur aadab. Welcome to our own channel, Super Guides. Aur main hu aapka Super Guide, Jax. Dosto, aaj main aapko Honda 125cc series sign bike chalana sikhaunga. Wo bhi kuch hi minton mein. Dosto, hum use karte hain better methods aur techniques bike sikhane mein. So, aap hamari video ko end tak dekhiye. Please skip mat kijiye. Kyunki video ke dauran main aapse bahut sare टिप्स और टेक्निक शेयर करूंगा. आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास हमारी ये जानकारी पहुंच सके. और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी सवाल है, कमेंट जरूर कीजिए, पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा. चलिए राइड करते हैं दोस्तों. बाइक सिखाने से पहले मैं आपको बाइक के कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूँ. ऑलमोस्ट सभी बाइकों में सेम कंट्रोल्स होते हैं जो मेरे इस होंडा सिवी शाइन में है. ये है आपका न्यूट्रल लाइट. जब भी गाड़ी गियर में नहीं होगी ये लाइट जलती है. ये है आपका फ्यूल मीटर. ये है आपका स्पीडोमीटर. ये है ओडोमीटर. यहाँ पे है आपका लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर की लाइट. ये है क्लच. यह है बाईपास स्विच. यह है हाई बीम, लो बीम. यह है आपका लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर स्विच. यहाँ पे है हॉर्न और यह है आपका चौक. इस तरफ में होता है आपका फ्रंट ब्रेक और यह है आपका रेस एक्सेलरेटर, जिससे आप गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं. यह है सेल्फ. दोस्तों इस गाड़ी में देखिए, यह है गेयर बॉक्स. इस गाड़ी में चार गेयरें हैं और चारों की चारों गेयर डाउन लगती है इस तरह, 1, 2, 3, 4. इस तरह से चार गेयर पीछे की तरफ लगती है और जब भी आपको गेयर कम करना है तो फिर आपको फ्रंट प्रेस करना पड़ेगा इस तरह से. ओके, यहाँ पे है आपका यह है बैक ब्रेक. जी हाँ, ये है बैक ब्रेक और ये है गाड़ी की किक. इस गाड़ी में किक भी है और सेल्फ स्टार्ट भी है. ओके, सबसे पहले जब भी आप गाड़ी चलाएंगे आपको सबसे पहले आपको चाबी ऑन करनी है. चाबी ऑन करने के बाद फर्स्ट चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है, ये न्यूट्रल लाइट. जब भी ये लाइट जलती रहेगी इसका मतलब है कि ये गाड़ी न्यूट्रल में है, गियर में नहीं है. मान लीजिए अगर ये न्यूट्रल लाइट नहीं जलती है, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ. मान लीजिए आप गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, तो आपको गियर को कम करके न्यूट्रल में लाना होगा, क्योंकि आपको गाड़ी जब भी स्टार्ट करनी है न्यूट्रल में स्टार्ट करनी है, गियर में स्टार्ट नहीं करनी है. ओके, तो फर्स्ट थिंग गियर. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेल्फ या किक से गाड़ी को ऑन करेंगे. ठीक है, ऑन करने के बाद आप क्लच को प्रेस करेंगे, पूरी तरह से पकड़ के रखेंगे, फिर आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालें. अब आप धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगे. ओके, जैसा आप धीरे धीरे क्लच को आप रिलीज करेंगे तो गाड़ी अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाए. ये चीज हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे. तो गाड़ी धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट हो जाए. जब गाड़ी धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट हो जाएगी तब आप यहां से गाड़ी का रेस देंगे. ठीक है, चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि बाइक कैसे चलानी है. चलिए सबसे पहले चाबी ऑन करेंगे, न्यूट्रल की लाइट चेक करेंगे कि लाइट जल रही है कि नहीं. ठीक है, जल रही है. अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, क्लच प्रेस करेंगे, गियर में डालेंगे, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगे,
देखिए हम बताया था ना, जैसा क्लच को आप रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे गाड़ी ऑटोमेटिकली मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब आप धीरे धीरे एक्सेलरेटर दे सकते हैं, रेस दे सकते हैं इस तरह से। बस रुक जाओ कुछ। मान लीजिए कि आप अगर क्लच को एक साथ रिलीज कर देंगे तो गाड़ी एकदम से रुक जाएगी, करके बताओ रूपेश। इस तरह रुक जाती है। जब इस तरह गाड़ी रुक जाएगी तो आपको फिर से गाड़ी को न्यूट्रल में लाना होगा। गियर में कभी भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करनी है, फिर से आपको बताओ ऑन करनी है, क्लच प्रेस करना है। अब देखिए, मान लीजिए कि अब आप क्लच प्रेस करके रखे हैं, क्लच को नहीं छोड़ रहे हैं और रेस दे रहे हैं। इस सिचुएशन में भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जितना भी रेस दे दीजिए आवाज करेगी गाड़ी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए अगर आप ज्यादा रेस देके, तो ज्यादा रेस मान लीजिए इतना सा रेस दे, अगर आप एकदम से क्लच को रिलीज कर देंगे तो गाड़ी एकदम से आगे चली जाएगी और किसी ना किसी चीज से टकरा जाएगी, या उसका जो फ्रंट टायर है वो बहुत ऊपर उठ जाएगी। तो ये बहुत रिस्की होगा, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बता रहे। तो सावधानी से आप क्या करेंगे, जब गियर डालो, क्लच पकड़ेंगे, गियर डालेंगे, धीरे 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 से क्लच को छोड़ेंगे, गाड़ी जब मूव होगी तब भी आप एक्सेलरेटर देना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम आपको बस इस तरह से रुपेश, ओके आप चाहे तो हम फिर से एक बार आपको करके बता देते हैं। चलो रुपेश, गाड़ी फिर से एक बार स्टार्टिंग से इनको बता देते हैं। ओके, फर्स्ट स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे न्यूट्रल एलईडी जल रही कि नहीं। ओके, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, क्लच प्रेस करेंगे, गियर डाउन शिफ्ट करेंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, जब गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी तब गाड़ी का रेस देंगे। देखिए इस तरह, बस अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सेकेंड और थर्ड गियर डालनी है। चलिए चलिए अब मूव हो रही है। चलो अब जैसा जैसा गाड़ी मूव होगी, गाड़ी का इंजन का नॉइज भारी हो जाता है, जब इंजन का नॉइज भारी हो जाएगा तो आपको फिर से क्लच प्रेस करनी है, थोड़ा सा एक्सेलरेटर कम करना है और सेकेंड गियर पे गाड़ी को डालनी है। चलो अभी सेकेंड गियर में चलो, अब हम सेकेंड गियर में चल रहे हैं। ओके, अब इसी तरह थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ेगी, आपको गाड़ी का इंजन का नॉइज भारी हो जाता, आवाज़ भारी हो जाती है। अब आपको फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्लच प्रेस करना है, ओके एक्सेलरेटर थोड़ा कम करना है, थर्ड गियर में डालना है। चलो हम आपको प्रैक्टिकली रोड पे चला के बताएंगे कि किस तरह से फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर तक गाड़ी शिफ्ट करके चलानी है। देखिए अभी फर्स्ट गियर में क्लच प्रेस करेंगे, गियर डालेंगे, क्लच रिलीज करेंगे, एक्सेलरेटर देते हुए चलिए। अब गाड़ी का इंजन का नॉइज इंक्रीज हो रहा है, अब आपको फिर से क्लच पकड़ना है, सेकंड गियर में गाड़ी को डालनी है, क्लच छोड़ते हुए थोड़ी थोड़ी एक्सेलरेटर देते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलो चलते रहो। देखिए गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो जैसा ही गाड़ी का स्पीड बढ़ेगी गाड़ी थर्ड गियर मांगेगी, सेम आपको। चलो स्पीड बढ़ा, अब थर्ड गियर डालना है, क्लच प्रेस करना है, थोड़ा एक्सेलरेटर कम करना है, थर्ड गियर में डालना है। चलो मूव कर, आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड 30 क्रॉस कर चुकी है, अब गाड़ी को फोर्थ गियर में डालेंगे, सेम प्रोसीजर, क्लच प्रेस करेंगे, एक्सेलरेटर थोड़ा कम करेंगे, गियर डालेंगे, चौथी गियर में गाड़ी चलेगी। चलो देखिए हम चौथे गियर में गाड़ी ऑन रोड चला रहे हैं।